close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. जी दोस्तों, इस वीडियो में क्रूशाल और अमार भाई जो है अबरा में जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ जा रहा हूं। तो आप लोगों को जो है अबरा का विज़िट कराते हैं। तो यहां पर जो बोट होती है, आप सिर्फ एक दिरहम में एक साइड पर जा सकते हैं, और दूसरी साइड पर भी जाने के लिए आपको जो है एक दिरहम पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये बहुत चीप है, कोई भी टूरिस्ट अगर आना चाहता है तो इस जगह पर लाजमी विज़िट करें। तो ये हम लोग अभी अबरा में हैं, और हम लोग अभी बोट की सवारी करने जा रहे हैं, जो वहाँ पर स्टार्ट होती है। आ जाओ, मैं आपको कैफेटेरिया यहाँ का जो यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इकोनॉमिकल है। जो बंदे इंडिया से आते हैं या कहीं से भी पाकिस्तान से जैसे आते हैं, वो उनके लिए तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल रहेगा ही, लेकिन लोकल पब्लिक के लिए ये और इकोनॉमिकल है। और इनफैक्ट टिकट्स जो यहाँ की बोट की है, वो भी थोड़ी यू नो इट्स अफोर्डेबल, सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो ये पानी यहाँ पे ओशन वाटर है, यहाँ शायद से ये 4-5 मीटर डाउन होगा, आगे जाते जाते और गहरा होता जाएगा। जो हम देख सकते हैं, ये पूरा अबरा, दोनों साइड अबरा होता है, ये वहाँ बर दुबई में, और वहाँ गहरा शुरू होता है। ये बोट एक दिरहम लेती है, वन साइड ईच, जो छोटी बोट है जिसमें हम बैठने वाले हैं अभी फिलहाल। और इसके बाद हम थोड़ी बहुत आगे भी चले गए, आगे जाते जाते हम अपना एक्सप्लोर करते जाएंगे। और वो जो है वो सारी बोट्स वहाँ पर हम बैठने वाले हैं, ये पूरा जैसे हम देख सकते हैं। ये जैसे एंट्री यहाँ से शुरू होती है, जैसे मेरे दोस्त पीछे चल रहे आगे, तो ये था शेल्टर से अंदर से अपना बोट का एंट्री होता है, जो काफ़ी अच्छा है, और लाइटिंग भी उससे और कमाल की बनाती है। और जो यहाँ का व्यू है, ये पूरा सनसेट व्यू यहाँ पे, और थोड़ा 20-30 मिनट के बाद आते तो शायद से हमें सनसेट भी देखने मिलता है। तो लेकिन ये कमाल का व्यू, इससे ज़्यादा और अच्छा देख सकते हैं हम अभी एंटर करने वाले हैं अंदर इधर। और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, जहाँ पे शाम को रात को यहाँ कहीं पे भी बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से बैठने के लिए, एरिया में शीशा पार्लर भी बोल सकते हैं इसको। और काफ़ी शानदार नज़ारा है देखने को मिलता है दुबई में इस बार। आप मानोगे नहीं, करो ना मैं भाई, अगर ये दुबई जैसी जगह पर अगर सब कुछ ओपन है, तो काफ़ी में दुबई बहुत आगे और बहुत आगे निकल चुका है। 2020 एक्सपो भी मिस हो गया था, लेकिन दुबई ने उसको भी कंट्रोल करके 2021 में वापस करने वाला है। लेकिन जिस तरह लाइटिंग और ये सब देखने, ये काफ़ी अच्छे मौके में देखे जा रहे, शीशा भी यहाँ पे लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वेरी फैंटास्टिक व्यू इट इज। द बर्ड्स आर शिमरिंग ओवर देयर, दैट इज आल्सो लुकिंग वेरी फैंटास्टिक। वन साइड वन शीशा, अदर साइड द बर्ड्स एंड द सनसेट, दिस होल व्यू इज एक्सीलेंट। एंड यू कैन सी देयर आर मेनी फोटोग्राफर्स ओवर हियर एज वेल, तो अच्छी तरह से फोटोग्राफी का भी सिनेरियो यहाँ पे है, और काफ़ी अच्छी कमाल की जगह है ये। फॉलो, बर्ड्स को वहाँ पे नाश्ते ले रहे हैं, नॉट नाश्ता बट डक्स भी है वहाँ पर, देख नहीं पा रहे लेकिन होते हैं डक्स सुबह के टाइम पर। तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे शीशा बहुत सब मिलता है, और यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, अलग अलग तरीकों की यहाँ पे स्वीट्स, डेट्स, गल्फ के, ऑल ओवर गल्फ के डेट्स यहाँ पे फेमस है।
चॉकलेट्स और वगैरह वगैरह जो अपने फैमिलीज के लिए बैक इन पाकिस्तान और इंडिया में लेके जाते हैं. तो वी आर मस्ट टू एक्सप्लोर इन दुबई एंड वी आर गोइंग टू डू दैट. लेट्स गो. तो जैसे हम देख पा रहे हैं हम अभी एंटर करने वाले बोर्ड के अंदर जो हमारा सबसे एक्साइटिंग काम है आज के दिन का. बाकी दिन के तो ऑब्वियसली होते रहेंगे. तो ये बोर्ड है आज हम एंटर करने वाले हैं. बीच में गैप देख के मेरा तो जी घबरा रहा है. लेकिन एंटर हो चुके हैं बेसिकली और ये बोर्ड अभी हम चलाएंगे. देख रहे हो अमर भाई जैसे बोट के ऊपर कूदे पूरा वेट इस तरफ जा रहा है बोट का. शायद हम दूर का जाए. ड्राइवर यहाँ बैठेगा. आप यहाँ हाँ अच्छा मैं यहाँ बैठ रहा हूँ. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.